हेलो फ्रेंड, अर्चना कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे फटे हुए दूध का छेना, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिए हैं फटा हुआ दूध, जो कि पहले से फट गया था। तो इसको हम एक साफ कपड़ा में छान लेंगे दूध को। तो एक सूती कपड़ा में छान लेंगे हम दूध को। और निचोड़ लेंगे और इसका दूध हम निकाल देंगे बाकी। तो बचे हुए दूध को हम निकाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ेंगे ताकि पानी न रह जाए। तो अच्छी तरह से निचोड़ दिए हैं। अब इसको एक थाली में हम फैला देंगे और निकाल देंगे हम इसको। तो इसको हाथ से हम अच्छी तरह से मफलेंगे ताकि छेना फटे ना बनाते वक्त। हम इसको बहुत अच्छी तरह से मफलेंगे और इसमें 2 चम्मच मैदा भी डालेंगे। तो इसको हम मसल मसल के मिक्स करेंगे। और इसमें फिर से मैं 1 चम्मच मैदा डाल दूंगी क्योंकि अभी ये थोड़ा गीला है। तो ये अच्छी तरह से मसल गया है क्योंकि फट नहीं रहा है। तो चाशनी के लिए यहाँ पे एक बाउल लिए हैं चीनी। और यहाँ पे हम डालेंगे एक बाउल पानी। और आधा बाउल हम और पानी डाल दे रहे हैं इसमें। यहाँ पे हम 1.5 बाउल पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह चला लेंगे और पीड़ा बनने के लिए रख दिए हैं। तब तक मैं फटे हुए दूध का डो बना लूँगी। आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा। इसको बहुत चिकना बनाना है, नहीं तो फट जाएगा। तो इसी तरह हम सारे डो को बनाएंगे, बिल्कुल चिकना बनाएंगे। तो इसी तरह हम सारे डो को बना लिए हैं। और सीरा में भी अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। तो इस सीरे में मैं डो को डाल दूंगी।
छेनाक मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। इसको तेज आंच में ही पकाएंगे। तो छेना अच्छी तरह से बन गया है, गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हैं छेना बिल्कुल फटा नहीं है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी छेने को। तो छेना बन के तैयार हो गया है। तो छेना काफ़ी अच्छा बना है और आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बना है। जब आपका दूध ख़राब हो तो आप इसको ज़रूर प्रयोग करिएगा और बहुत स्पंजी बना है। तो ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा? रेसिपी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।